गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ प्लस टू कॉमर्स। इसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है प्लानिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान या फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसे हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा प्लान है। अगर उसमें फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही होंगी तो वो एक अच्छा प्लान कहलाएगा। तो प्लान्स आर प्रिपेयर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। प्लान्स बनाए क्यों जाते हैं? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने बिजनेस का गोल अचीव कर सकें। गुड प्लान विल बी दैट विच हेल्प्स इन अचीविंग इन इट्स ऑब्जेक्टिव। तो एक अच्छा प्लान वही होगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा उसके गोल को अचीव करने में। सो अ गुड प्लान शुड हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। क्या फीचर्स होने चाहिए गुड प्लान में? सबसे पहला फीचर है क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा प्लान हम उसे ही कह सकते हैं जिसने हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली डिफाइन किया हो। प्लानिंग एक टूल है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। तो अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अराइज हो जाएंगी। तो इसलिए अच्छा प्लान वही है जो हमें ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करे, प्रॉपरली डिफाइन करे, एक्यूरेटली डिफाइन करे, ताकि हर किसी को पता हो कि हमारा टारगेट क्या है। नेक्स्ट इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा प्लान वही है जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो पाए। तो वो इम्प्लीमेंट तभी पॉसिबल है जब वो सबको क्लियरली समझ आ पाएगा। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान इज कंपल्सरी। जिन लोगों के लिए हमने प्लान बनाया है उनको पहले प्लान को प्रॉपरली क्लियरली अंडरस्टैंड करवाना चाहिए, उनको प्रॉपरली मैसेज कन्वे करना चाहिए, हर क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि हमारा प्लान क्या है। क्योंकि वो समझेंगे तभी वो उस प्लान को एग्जीक्यूट, मतलब लागू कर पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा हमारा प्लान क्या है तो उसे एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंट या लागू कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है उन पर्संस को जिन्होंने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। अच्छा प्लान वही है जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कंसीडर करके चलता है ताकि हमारा मेन गोल अचीव हो सके। जो भी पार्ट्स ऑफ प्लान है वो प्रॉपरली फिट बैठने चाहिए, उसकी टाइमिंग एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। सो प्लान कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें हर बात कंसिडर होनी चाहिए जो भी जरूरी है बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए। फोर्थ फीचर है गुड प्लान का फ्लेक्सिबल। देखो, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके चलते हैं बिजनेस में और उसके लिए प्लानिंग करते हैं, और जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। आने वाले टाइम में कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। तो अच्छा प्लान वही है जो एज पर चेंजिंग सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट कर ले ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो और हम एडजस्टमेंट्स करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सके। तो प्लान्स जो है वो रिजिड मतलब जिसको एज सच फॉलो करना पड़े, ऐसे प्लान्स नहीं होने चाहिए। प्लान्स ऐसे होने चाहिए जिनमें हम जरूरत पड़ने पे चेंजेस कर सकते हो। लास्ट इज इकोनॉमिकल। जब हम प्लान बनाते हैं तो हमें ये भी देख के चलना पड़ेगा कि उस प्लान में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। तो हमारा प्लान एज इकोनॉमिकल एज पॉसिबल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब जितने सस्ते में हो सके, जितनी मिनिमम कॉस्ट में प्रिपेयर हो सके, और इस चीज को देखते हुए हमारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं ताकि हम उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने प्लान को अकम्प्लिश कर सके। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ अ गुड प्लान। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हो तो हम उसे गुड प्लान कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। कवर इट अप। अपना सिलेबस साथ साथ रखिए, पीछे मत चलिए, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है। अगर आप कवर अप नहीं करते तो आप पे एकदम से बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। सो प्लीज कंटिन्यू योर स्टडीज। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।